सेलिंग बुक है, और वो कह रहा है कि सारी ह्यूमन सफरिंग जो होती है जिंदगी में वो बेसिकली होती है स्टार्ट पेशेंस से और एंड होती है लैक ऑफ पेशेंस से। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है लिखने वाली कि सफरिंग मिजरीज की वजह से नहीं होती, लेवल ऑफ पेशेंस की वजह से होती है। तो इसका क्या मतलब है, कौन बताना चाहेगा? हु वॉन्ट्स टू अटेम्प्ट इट? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और आई थिंक सफरिंग मिजरीज की ऐसे नहीं होती बल्कि पेशेंस के लेवल से होती है। गुलशन लाल जी, जस्ट मैं बोलूं गो इट। जी जी प्लीज। इसलिए कि अपन सब बात में नेगेटिव सोचते हैं, अगर पॉजिटिव सोचे तो सफरिंग आराम से अपन सबर कर सकते हैं, लेकिन उस चीज पे नेगेटिव सोचते जाएंगे तो लंबी हो जाएगी सफरिंग। गुड गुड गुड। सो इसका मतलब है कि अपनी फीलिंग्स होती है जो अपने को मिजरी फील करवाती है। कुछ लोग, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, वो लोग जो के जिनके पास -20 में शॉल भी नहीं है ओढ़ने को, वो बड़े खुश है कंपेयर टू पीपल जो के यू नो जिसकी डिस्पोजेबल इनकम लेट्स से XYZ डॉलर्स है। वो शायद सोचते हैं अरे मेरा मेंशन कब बनेगा तब मैं जाके खुश होऊंगा, या मर्सिडीज बेंज या बीमर कब आएगी तब मैं जाके खुश होऊंगा, राइट? तो एक जस्ट बहुत ब्रॉड एग्जाम्पल है, आप लोग में से बहुत सारे लोग इस एग्जाम्पल से बाहर हो, लेकिन मकसद है कि लेवल ऑफ हमारा पॉजिटिविटी टुवर्ड्स लाइफ है, राइट? बहुत सबके पास बहुत दफ़ा सब कुछ होता है फिर भी वो ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं, शुक्राना नहीं करते, वो खुश नहीं रहते हैं बहुत दफ़ा। एंड आई थिंक दैट्स अ पावर ऑफ पेशेंस, कि जब लोग बहुत ज़्यादा अल्ट्रा पॉवर्टी में होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब छोटी सी एग्जाम्पल है, मैंने देखा गिलगित हुंजा की बॉर्डर्स पे जो अपनी जमात है, मतलब वहाँ एक यूथ का जो नॉर्मली 20-25 साल का उसका रूटीन क्या है, दैट्स एंड आई वाज वेरी इट वाज वेरी लर्निंगफुल फॉर मी। मैं देखा वो सुबह 4 बजे उठता है, ठीक है, ही अटेम्प्ट्स द इबादत एंड एवरीथिंग। यंगस्टर की बात कर रहा हूँ, ओल्डी की बात नहीं कर रहा, 60+ 16+ 20+ की बात कर रहा हूँ। सुबह उठता है, उसके बाद जाता है, अटेम्प्ट करता है, इतनी ठंडी में जमात खाना भी बहुत जगह नहीं होता है, बट जहाँ जहाँ होते हैं लोग जाते हैं। एंड देन आफ्टर दैट ही कम्स, और वो लकड़ी पे चढ़ जाता है दरख्त पे, एंड ही कट्स द वुड, एंड ही कट्स द वुड ताकि उसको उस दिन नाश्ता मिले या घर पे खाना बने, वो लकड़ी लेके नीचे आता है। एंड दिस इज अबाउट -20-25 degrees इन मॉर्निंग, बर्फ जमी हुई होती है, एंड देन दिस इज अबाउट 30,000 feet हाई, ठीक है। और वहां से आके तो वो बेसिक नीड्स जो हम इग्नाइट कर देते हैं, यू नो स्टोव को, और हमारा खाना कुक होना शुरू हो जाता है, या हम माइक्रोवेव कर देते हैं, हमारी चीजें बर्न हो जाती है, हमको ऐसा लगेगा क्या यार 2024 में कौन सी बातें कर रहे हो। तो ये एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग, राइट? और हमसे बहुत ज्यादा तादाद में ये लोग हैं और ये रहते हैं। तो मतलब वो वाली बात है कि वो उसके बावजूद खुश हो रहे होते हैं, दे आर वेरी पेशेंसफुल, दे आर वेरी मीनिंगफुल। आप उनके पास जाओगे तो वो अपनी एक रोटी निकाल के आपको दे देंगे बींग अ मेहमान, एंड यू विल फील के यार मैं खाऊं कैसे इसको, बिकॉज मुझे पता है कि मैं खाऊंगा तो कोई पीछे नहीं खा पाएगा, राइट? तो लेकिन एक ही है कि अल्लाह ने उनको पेशेंस बहुत दिया, उनकी लाइफ में मिसफॉर्चून्स होने के बावजूद पेशेंस इतना है कि वो खुश रहते हैं। और कभी कभार हमें सोचना चाहिए कि हमको इतना कुछ दिया बट हम खुश नहीं होते, यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? आई थिंक आज का टॉपिक इससे बड़ा रेजोनेट कर रहा है, जो मेरी एक देखी ट्रिप थी एंड आई लर्न कि हमारी लाइफ की मिजरीज जो होती है ना, वो हमारे पेशेंस के हिसाब से एडजस्ट होती है। कुछ को गॉड फॉरबिड कैंसर भी हो जाता है, बट वो लाइफ में पॉजिटिव होता है ना, कि ठीक है यार मेरे ही कुछ ऐसे सिंस होंगे, लेकिन कोई बोलता है नहीं यार मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे को क्यों खुदा ने ये किया, तो वो छोटी सी मिजरी को, सर के दर्द को कैंसर बना देता है। और कभी कभार गॉड फॉरबिड कैंसर वाला आदमी उसको सर के दर्द की तरह लेता है कि ठीक है पार्ट ऑफ लाइफ है, सबको होता है, आई विल गेट आउट ऑफ इट, राइट? हमारे पास बहुत सारे लोग सर्वाइवर्स हैं, राइट? आई वुड नॉट नेम देम बट यू ऑल नो देम इन द ग्रुप। तो लेट्स क्लैप फॉर गुलशन, आई थिंक बहुत अच्छी बात बोली कि पेशेंस का लेवल जो है वो बेसिकली डिक्लेयर करता है, यस, एकियर टोली की बुक है ये, ओके। सेकंड थॉट वो कह रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, लिखना है तो लिख लो, आप जिस मोमेंट में रह रहे हो आपको उसके बारे में फुली अवेयर होना चाहिए। किस तरह से लिंक बनता है, कौन बोलेगा, थोड़ा सा सोचो। हम ऑथर की सारी बातें नहीं सुनते, हम उसको सोचते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, एंड देन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट मोमेंट में रहना और पेशेंस का क्या ताल्लुक बन सकता है। तो यही मकसद होता है कि हम लोग कभी कभार जो है ना सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो शायद सही हो नहीं हो,
क्या फर्क पड़ता है, राइट? जरूरी थोड़ी है कि सारे तीर निशान पर लगे, राइट? सो बट तीर चलाना चाहिए, दैट शुड बी द जर्नी ऑफ लाइफ. तो मकसद ये है कि आई थिंक मुनीरा एंड आपने इसको बहुत अच्छा सॉल्व किया. ऑथर ये कहता है कि प्रेजेंट मोमेंट में जब हम रहते नहीं है, सो लेट्स से हम वॉक कर रहे हैं, यू नो वी आर चिलिंग आउट, हम लेक पे वॉक कर रहे हैं, हम ग्राउंड में वॉक कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में वॉक कर रहे हैं, एंड वी फील द ग्रीनरी अराउंड इट. बट हमारे पास टाइम नहीं, हम फोन में लगे हैं रेसिपी सुनने के लिए, या बैलेंस डाइट, या हाउ टू मेक मोर मनी, या हाउ टू गेट रिच, ब्ला ब्ला ब्ला, या लेट्स से मोटिवेशन सुन रहे हैं. बट जो प्रेजेंट मोटिवेशन है, जो नेचर दे रहा है, या बर्ड्स की चिरपिंग दे रही है, या फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस दे रही है, या ग्रीनरी दे रही है आपको, आपको पता है ये सारी चीजें आज साइंस कहती है कि एरोमा थेरेपी हैज स्टार्टेड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. यानी खुशबू जो है और जो आईज की फैसिलिटेशन है, खुदा ने कहा है ना कुरान में कि वो लोग जो गौर और फिक्र करते हैं फायदे में रहते हैं. यानी कि उसके नेचर को देखना, गौर और फिक्र करना भी फायदा है. तो उस कोड को क्रैक नहीं किया आज साइंस ने, बट हो सकता है कल साइंस 2 साल 5 साल 2 महीने 4 महीने बाद बोल दे कि व्हेन यू आर इन द ग्रीनरी योर स्ट्रेस लेवल गोज डाउन. हमको पता है डाउन, लेकिन आज साइंस नहीं बोलता है. लेकिन हो सकता है कल बोल दे अप टू 73, तो लोग गोलियां छोड़ के, बट बोलेगा नहीं बिकॉज फार्मास्यूटिकल्स के बिजनेस कम हो जाएंगे, राइट? सो होगा क्या कि यू एंड आई नो, और हमको कुरान ने बोला है, खुदा कहता है जो लोग मेरी नेचर पे गौर और फिक्र करते हैं उनके लिए मैं खुशी पैदा कर देता हूँ. सो दिस मीन्स कि हमको इस्लाम इज द कोड कंडक्ट ऑफ लाइफ, राइट? इस्लाम ने हमको बता दिया है कि बाहर नेचर में जाओ, घूमो फिरो, देखो, यू विल फील बेटर. तो हमको डिप्रेशन का सोल्यूशन बुक से लेने की जरूरत नहीं है, हमको अपनी बुक में बता दिया. क्या बताया? तो है क्या कि अरोमा थेरेपी, यानी कोई भी चीज आप स्मेल करते हो, एंड द बेस्ट स्मेल्स आर द स्मेल्स ऑफ द फ्लावर्स जो खुदा ने बनाई है, राइट? दैट्स द मोस्ट नेचुरल स्मेल. आज लेवेंडर और अलग अलग बेस्ट फ्लावर की खुशबू को ही तो बेस्ट ब्रांड्स कैप्चर करके बेचते हैं, और उसको मैं और आप बॉडी बाथ, बेड बाथ सबसे लेते हैं, राइट? क्या होता है उसमें, वही तो फ्रेग्रेंस होती है. बट हम लोग वो फ्रेग्रेंस जब पास कर रहे होते हैं तो वी डोंट स्टॉप एंड स्मेल द रोज और लेवेंडर अराउंड, यस और नो? बट हम जाके स्टोर से ब्रांडेड सेकेंट लगा के उस करते हैं. तो है क्या कि हमने वो एलिमेंट मिस करना शुरू कर दिया, जिस वजह से हम आर्टिफिशियल हो गए, एंड जिस वजह से हमारी हीलिंग रुक गई. तो वो ये कह रहा है कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो तो आप 100% अपनी सेंसेस को वही यूज करते हो. वरना क्या होता है, वॉक हो रहा है बट माइंड यूट्यूब में लगा हुआ है, हार्ट घर पे करना क्या है, बनाना क्या है उसमें लगा हुआ है, या कोई आने वाला है, और थॉट्स लगे हुए कि पैसे कैसे बनाने हैं, यू नो, या वो ज्वेलरी कैसे लेनी है, या उसमें सेल्स लगी हुई वो खत्म हो जाएगी, राइट? तो एट ए टाइम हम 4 काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ भी फायदा नहीं हो रहा. ऑथर ये कहता है कि द बेस्ट अप्रोच इज के सारे सेंसेस को उस प्रेजेंट मोमेंट में लगा दो, आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा, राइट? तो आई थिंक दैट वॉज अ वेरी न्यू थिंग हमने सीखा कि सारे सेंसेस को, तो अपने सेंसेस क्या है, कौन कौन मुझे बताएगा? चीजें हमको देखनी है कि जिस तरह देर वॉज वंस अ टाइम हमको सुनने में आता था सिर्फ 11 प्लैनेट्स है, राइट? आज आप गूगल करके देखो तो साइंस बोलेगी 1000 से ज्यादा प्लैनेट्स है. यानी प्लैनेट्स 11 नहीं थे, साइंस 11 तक पहुंची थी, यस और नो, राइट? तो आज बोलते हैं सेंसेस 5 है, यू कैन स्मेल, यू कैन सी, यू कैन हियर. अब देखो, हियर करने के लिए तो एयरपोर्ट घुस गया जो मैंने अभी लगाया हुआ है, तो आप कहीं भी होते हुए हियर नहीं कर सकते. आज नोज के लिए कुछ नहीं बना है, बट साइंटिस्ट कुछ ना कुछ बना लेंगे, बेचना है ना बेस्ट बाय पे, अमेजोन पे, तो कुछ ना कुछ नाक में भी लगा होगा, राइट? आंख के लिए बन रहा है वर्चुअल रियलिटी क्लासेस, उस पर फेसबुक मेटा काम कर रहा है. आपको पता है फेसबुक का नाम भी चेंज होके क्या हो गया, मेटा. तो देखो, साइंस कैप्चर मार्केटियर बड़ा स्ट्रांग है 2000 AD का, उसने आपके सारे सेंसेस को कैप्चर कर लिया. आपको स्मार्ट ग्लास पहना दिया ताकि आप आंखों से वही देखो जो वो आपको दिखाना चाह रहा है, जो दिखेगा वही बिकेगा. द मोर यू सी द मोर ही विल मेक मनी. सो आज फोन में क्या है, आप देखते रहते हो ना, आप वॉक कर रहे हो बट आप फोन देखते हुए, टेक्स्ट चेक करते हुए वॉक कर रहे हो. तो भले आपने बार बार 10-10 मिनट में हटा के देखा, बट जो 10 मिनट में देखा वो दिमाग में आ गया. अब आपके सामने बर्ड्स की चिरपिंग नहीं है या वाटरफॉल नहीं, अब आपके सामने वो टेक्स्ट की थॉट है कि किसी ने मुझे तारीफ की तो आप एक अलग मोमेंट में चले गए, किसी ने बुरा बोला तो एक अलग मोमेंट में चले गए, राइट? किसी ने कुछ सवाल पूछ लिया तो थॉट, तो उस प्रेजेंट मोमेंट से हटा दिया ना आपको, यस और नो?
किसने हटा दिया? आपकी आय ने हटा दिया, आपकी सेंस है ना आय, बट आपने क्या किया, आपने डिस्ट्रैक्शन लाया, तो डिस्ट्रैक्शन खत्म करना है, राइट? कान में एयरबड्स है तो सॉन्ग है, यू आर एंजॉयिंग इट, आपको लगता है कि आप टोन बना के चल रहे हो, हम यही करते हैं ना, म्यूजिक लगा लेते हैं, ऑडियो बुक लगा लेते हैं, बट आप उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो, आपके कान में बुक चल रही है, वो थॉट है. सो हम क्या कर रहे हैं, इतने तेज हो गए कि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, बट कितने लोगों को याद है वो बुक जो मल्टीटास्किंग पे बनी है वो खुद मल्टीटास्किंग मना करती है, वो कहती है मल्टीपल टास्किंग. यस और नो, हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी? मल्टीपल टास्किंग क्या थी, एक साथ 100 काम करो. इलॉन मस्क सबसे सक्सेसफुल आदमी है दुनिया का, 11 कंपनियां चलाता है, बट कहता है एट अ टाइम मैं एक दिन में एक ही देखता हूँ. क्या बोल रहा है? एक दिन में एक कंपनी देखता हूँ, 7 दिन में 7 कंपनी देखता हूँ. सबसे अमीर तरीन आदमी जो आपको एयरपोर्ट और ये सारी चीजें बेचता है, बट हम यू नो वी आर हुअर द मटीरियल फूल्स अराउंड, हम उसकी प्रोडक्ट यूज करके वो नहीं करते जो वो प्रोडक्ट बेचने के बाद भी करता है. यस और नो, राइट? सो वी हैव टू ओवरकम दी स्मार्ट मार्केटियर्स अराउंड अस, जिन्होंने हमारे आंख पे मेटा के ग्लासेस पहना दिए और कान में एयरपोर्ट डाल दिए. ठीक है, तो करना ये है कि आपको एयरपोर्ट सुनना है तो आप बैठ के एयरपोर्ट सुनो, आपको वॉक करना है तो 10 मिनट वॉक करना, बट कुछ और नहीं करना. मेक श्योर करना नेक्स्ट टाइम. आई थिंक इसने बहुत क्लियर कर दिया, इट्स अ गुड लर्निंग, लेट्स क्लैप फॉर दिस ऑथर, के सारे सेंसेस को मेक श्योर करना, क्या मैं जिस मोमेंट में हूँ मेरे 5 सेंसेस काम कर रहे हैं, राइट? और छठा सेंस मेरे ख्याल से जो साइंस ने डिक्लेयर नहीं किया बट हमने बुक्स में पढ़ा है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस. इसके ऊपर आपने मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं. यस और नो, क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, कौन याद दिलाएगा? सरोज वड़ी वाला, के फोकस करने की बात की, एजुकेशन की बात की. एजुकेशन एक और सेंस है, हो सकता है साइंस कल को डिक्लेयर कर दे, बिकॉज ये इतना पावरफुल सेंस है, आज साइंस कह रही है कि इससे अल्जाइमर तक क्योर होता है. यस और नो, वो लोगों को रीड कराया जाता है. अब सीनियर्स के लिए टिपिकली आप लोगों को खुद भी पता है, बट आप लोग शायद इससे बाहर आ गए हो, दैट्स वाई आप लोग क्लास के पार्ट हो. सो लेट्स क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोग डरते नहीं रीड करने से, न्यू नॉलेज से. लेकिन शायद आप लोग 2 साल पहले सोचो, या जिनकी पर्सनैलिटी में रीडिंग लर्निंग नहीं थी, वो नई चीज सीखने से भागते थे. ओ कंप्यूटर बेटा आप कर दो, डॉटर लॉ बेटा आप कर दो, यू नो किसी और पर डालते थे. मुझे नहीं बोलो, मुझे दिमाग खर्चा नहीं करना है, राइट? मुझे कुछ नया नहीं सीखना है, इस उम्र में मैं कुछ नया नहीं सीख सकता है. यस और नो, राइट? तो वैसे लोग पीपल आर लैफिंग. तो आप लोग क्योंकि ओवरकम कर गए, इसलिए यू आर पार्ट ऑफ एम्पावरमेंट क्लब. बहुत सारों को शायद एम्पावरमेंट क्लब की लर्निंग भी हेडेक लगती हो, ठीक है, नहीं लगती होगी द वे वी डू, बट लगती होगी, बिकॉज मुझे सीखना है कि नहीं, ये भी एक सेंस है. हो सकता है साइंस को नहीं पता, बट हमें अंदाजा है इतनी बुक्स पढ़ने के बाद. हो सकता है साइंस बोले कि एबिलिटी टू लर्न या ओपननेस टू लर्न भी एक सेंस है. एक आदमी में 30 की उम्र में वो रिटायर हो जाता है, और एक आदमी 80 पे भी जवान रहता है, और कहता है बोला बोलता है ना, एज इज जस्ट द नंबर. तो क्या मतलब है, बॉडीली एज का तो जमाना ही खत्म हो गया ना, आपको जाके वॉर थोड़ी करनी है गन उठा के. आज वॉर किससे हो रही है, माइंड से हो रही है. आपका माइंड कोलैप्स है एट द एज ऑफ 30, आप ग्रो नहीं कर सकते, आप उसी नौकरी पे बैठे रहोगे अगले 60 साल, और कोई आके आपको 2 साल 10 साल में ले ऑफ कर देगा फास्ट मूविंग इकोनॉमी में. बट आप 80 के होके भी 10 बिजनेस खोलने का पावर रखते हो. क्यों? क्योंकि आपका माइंड ओपन है, आप रिसेप्टिव हो. आपने देखे ऐसे लोग, यस और नो, राइट? वॉरेन बफेट, KFC, ज्यादातर 70-80s पे जाके दुनिया को हिलाए, राइट? तो क्या हुआ, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो कॉन्फिडेंस से ज्यादा ओपननेस या रिसेप्टिवनेस टू लर्न है. समझ रहे हो, वो रिसेप्टिवनेस टू लर्न ही कॉन्फिडेंस की दवाई है. सो कॉन्फिडेंस क्या है, कैसे आता है कॉन्फिडेंस? जब दिमाग में कुछ होता है तो कॉन्फिडेंस आता है ना. जब दिमाग खाली है तो मुंह से कुछ निकलेगा ही नहीं, सो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. दिमाग भरा हुआ है तो मुंह से ओवरफ्लो होगा, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट. तो कॉन्फिडेंस की बैकबोन क्या हुई, नॉलेज. यस और नो? तो मौलाली क्या बोले, नॉलेज इज पावर. समझ आया, इतना पहले बता दिए. हो सकता है ये भी एक सेंस हो, हमको तो खाली 5 सेंस पढ़ा है साइंस ने, उसके बाद सेंस की डिक्शनरी अपडेट ही नहीं की, लेकिन हो सकता है 10-15-20 सेंसेस और आ जाए. इमोशनल इंटेलिजेंस बाय द वे एक सेंस हो गई है, और इस पे नासा टेस्टिंग भी कर रहा है, और ये कहता है कि बच्चे बॉर्न होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ, ये DNA में भी होती है, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो ग्रो की जा सकती है. तो इसलिए आज के ज़माने में IQ को ख़त्म करके EQ कर दिया, आपने नाम सुना होगा, राइट? बिकॉज आज के ज़माने में कहते हैं याद करने की ज़रूरत नहीं है, ChatGPT में या Google में सब है, याद करके क्या करोगे, रटा फाई करके, जो पुराना ज़माना था.
आज कहते हैं कि जो गूगल में है ना उसको यूज कैसे करना है, और इमोशनली बड़ी बड़ी टीम्स कैसे मैनेज करनी है, लोगों को कैसे चलाना है, पीपल स्किल्स क्या है, ये सब क्या है, ये सेंस है। जब लोगों के साथ काम करते हैं प्रेशर देते हैं वो आपको, आपको प्रेशर मैनेज करना आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कौन अग्रेसिव है, कौन कमजोर है, कौन टॉकेटिव है, कौन आपके पीछे बैक बाइट करेगा, सामने से अच्छा बोलेगा, कौन सामने से कड़वा बोलेगा लेकिन पीछे से बैक बाइट नहीं प्रोटेक्ट करेगा। ये सब सेंस है लोगों को समझना, जो कि क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये बॉडी का कोई पार्ट है, आप एयर को हाथ लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, बट बोल सकते हो एयर नहीं है, चले जाओ, ऑक्सीजन के बगैर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, यस और नो? बट बोल सकते हो एयर किधर है, पता नहीं, है खुदा किधर है, पता नहीं, लेकिन है पता है, यस और नो? वैसे इमोशनल इंटेलिजेंस की भी कोई जगह नहीं, हाथ नहीं लगा सकते, बट है बिल्कुल। एक आदमी बहुत मेच्योर होता है 20 साल की उम्र में, एक आदमी 80 साल का होता है, बट यू नो ही डोंट नो हाउ टू बिहेव विद पीपल, यस और नो? सो ये इमोशनल इंटेलिजेंस होती है जो बॉर्न गिफ्टेड भी होती है और जो ग्रो भी होती है, साइंस कहता है। तो तीसरी चीज ये है, वो क्या कह रहा है, जितनी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी उतना तुम्हारा लाइफ खुश हो जाएगी। उसका मतलब है कि हम लोग समझ रहे थे सिर्फ शुक्रगुजारी होता है खुश होने का तरीका, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी आप उस चीज को लेते कैसे हो। कितने लोगों को वो स्टोरी याद है कि जिस गांव में जलजला आ गया था एंड द गाय सब जल गया था, बट एक आदमी निकला और उसने बोर्ड लगाया, द सिटी इज बर्न बट द शॉप विल ओपन टुमारो, याद है? और उसको यूनाइटेड नेशन, तो उसमें और 2000 लोगों में क्या फर्क था? 2000 घर जाके चादर ओढ़ के सो गए और रो रहे थे कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, बट वो उठा बाहर चादर से निकला एंड ब्लैंकेट से निकला एंड ही पुट द बोर्ड कि आई एम टायर्ड, द शॉप इज बर्न, वो हुआ बहुत बुरा हुआ बट कोई बात नहीं, कल से दुकान खुलेगी, ठीक है? सब गिरा पड़ा है, मलबा पड़ा हुआ है, यू नो इट्स ऑल डिजास्टर अराउंड, बोल रहे शॉप खुलेगी, क्या था? होप थी कि मैं खोल दूंगा, आज नहीं खोलूंगा तो कल। वो होप जो है ना वो भी बहुत बड़ी पावर है, ठीक है? तो चौथी चीज क्या है, पावर ऑफ नाव में या खुश रहने में, जो हम खुश रहने के लिए तो आते हैं ना इस टाइम पे, वरना क्या पड़ी हम लोग को कि हम लोग एम्पावरमेंट टॉक्स लें। बाय द वे जो लोग मुझे को मैसेज कर रहे हैं कि प्लीज सर व्हाट्सएप का चैट लिंक दे दो, तो मैंने चैट लिंक दे दिया, रादर देन मैं ऐड करूँ आप उनको ये चैट लिंक भेज दो, वो क्लिक करेंगे ऑटो ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है? तो वो लिंक मैंने एम्पावरमेंट चैट में भी डाल दिया है और जूम में भी डाल दिया, मैसेज में देख लो आप लोग। ओके, सो पांचवा पॉइंट, लेटिंग गो। लेटिंग गो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन हो के प्रॉफिट मोहम्मद से टू थिंग्स, उसको लिखते हैं 1 मिनट के लिए फिर सोचते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्या बात बोली, पहले माफ करो फिर भूलो। हम क्या करते हैं, हम फॉरगेट करने की कोशिश करते हैं। अब दोनों में क्या फर्क है, बहुत थिन लाइन है, सोचो 1 मिनट के लिए। जब आप किसी को माफ करते हो, समझो किसी ने आपको हर्ट किया, आपका हक खा लिया, आपके पीछे बैक बाइट किया, आपने उसके लिए बहुत किया, उसने 1 मिनट भी नहीं सोचा आपको फॉरगो करने के लिए, और आपको लग गया बुरा, आपने बोला यार साला मैं तो अच्छा काम करूंगा ही नहीं आज से, क्योंकि कोई दुनिया में अच्छा है ही नहीं, अच्छा बन के देख लिया चैप्टर एंड, खलास, अब नया सा चेहरा देखोगे, यस और नो? राइट, तो कभी ना कभी होता है हमारे साथ, होता है कि नहीं, यस और नो? चाहे बीइंग अ पेरेंट होता हो, कि आपने बोला यार मैंने तो जिंदगी लगा दी बच्चों में, तुम्हारे पास आज टाइम नहीं है, यस और नो? राइट, दोनों तरफ से गलतियां होती है, हो सकता है वो बिजी हो सकता है कभी ना भी हो, कभी आपको वैसे भी इग्नोर कर जाते हो, राइट, और प्रायोरिटी आप उनकी नहीं रहते हो, राइट? तो लाइफ एम्पावरमेंट तो यही है ना, तो जब आप फॉरगेट करते हो ना तो वो वापस आ जाती है, आप बोलते हो कि यार मैं सही हूँ और ये गलत है, लेकिन चलो मैं भूल गया। तो 6 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद आपको ऐसा ही कोई वाकया आएगा, आपको वो वापस याद आ जाए, अब आपने फॉरगेट किया लेकिन हुआ नहीं फॉरगेट, राइट? फिर आपने वापस फॉरगेट किया, आपने बोला नहीं यार, वापस फॉरगेट किया, आ गया, फिर डिप्रेशन शुरू हुआ, फिर ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि अंदर ही अंदर अंदर समझ नहीं आ रहा, वैसे सब लाइफ अच्छी है, खुश हो, पैसे बन रहे हैं, मटेरियल लाइफ बहुत अच्छी है, सब अच्छा है, जमात खाने भी जा रहे हो ना, बट अंदर ही अंदर चीज खा रही है, राइट? बहुत दफा डिप्रेशन में रिजल्ट निकल
होता है बहुत पुराना, जब हिप्नोसिस किया जाता है या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त अच्छे अच्छे हिप्नोटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जब वो मुझसे बात करते हैं, उनसे बात करता हूँ कि जब डिप्रेशन टेस्टिंग्स करते हो लोगों की, उस लेवल पे लोग आते हैं तो क्या निकलता है, मतलब बहुत पुराना मसला निकलता है जिसको वो फॉरगेट कर चुके होते हैं, बट वो अंदर होता है, फॉरगेट नहीं किया होता, समझे। तो इसलिए हजरत मोहम्मद ने कहा फॉरगिव। अब फॉरगिव ने क्या पावर किया, फॉरगिव ने बोला कि तुमने गलती की, मैंने माफ किया क्योंकि मैं भी गलती करता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, तो आज मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, तो ऊपर वाला मुझे भी कल को कहीं ना कहीं जहां मैं गलती किया हूँ माफ कर देगा, अब मैं फॉरगेट करता हूँ। तो दोनों में क्या फर्क हुआ, फॉरगिव करके फॉरगेट में, उसमें आपने अपने आप को वीक साबित किया और उसने बोला मैं वीक हूँ, तू भी वीक हो गया, तूने भी मेरे साथ गलत किया, वो तेरी कमजोरी थी लेकिन मैं भी कमजोर हूँ भाई, तो मैं भी तुझे माफ करता हूँ, ऊपर वाला मुझे भी माफ। इसमें क्या होता है, आपको याद भी आता है ना, आप तो आपके अंदर अरोगेंस नहीं होता, आपको लगता है नहीं यार उसने गलती की लेकिन मैंने भी 100 लोगों के साथ गलती की है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब आप खाली फॉरगेट करते हो ना, तो आप बोलते हो नहीं तूने बहुत बुरा किया था, चल माफ किया, चल माफ किया, चल माफ किया, तो माफ नहीं हो रहा, मुंह से हो रहा है, पीछे है और वो पेन बढ़ रहा है, समझ आ रही है बात क्या है। तो आज भी आप देखो इतनी 100 किताबें पढ़ ली आपने, जो इस्लाम ने सिखाया, प्रॉफिट ने 2 लाइन में बोल दिया फॉरगिव एंड फॉरगेट, कोई एक बुक ने फॉरगिव की बात की, सबने फॉरगेट की बात, राइट। फॉरगिव के बगैर पजल क्रॉसवर्ड अधूरा है, राइट। ये कैसी दवाई है कि कैप्सूल का इस तरफ का तो दे दिया बट उस तरफ का दोगे तो पूरा काम होगा ना, प्रॉफिट मोहम्मद टोल्ड अस दैट, बट हम लोग चूंकि एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकालते हैं, गौरव फिकर नहीं करते हैं, विश्कोदा सेट, बट अलहमदुल्ला एम्पावरमेंट क्लास में हम एक एक चीज पकड़ते हैं तो हमको समझ आती है, अरे यार इतनी बड़ी बात है, राइट। एलन मैकेल या जेफ बेजोस या स्टीवन कोवे बोले तो हम बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट मोहम्मद फॉरगिव कोवेट बोले, बोला हाँ सही है, बोला ही होगा, अच्छा ही बोला है, हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और आज देखो दे के देखा तो समझ आया 100 बुक्स से बड़ा ये उसूल भारी था, यस और नो, कितने लोग अग्री करते हैं, रेज यू हैंड, राइट। सो अगेन शुक्रगुजारी पॉइंट, बिकॉज हमारे को जो नॉलेज दिया गया है वो नॉर्मली हम टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट वो बहुत भारी नॉलेज है, खाली 2 वर्ड में समझा दिया हमको कि खुश रहना है तो क्या करना है, फॉरगिव करना है पहले फिर फॉरगेट करना है। सो हम डिलीट करते हैं बट रिसाइकल बिन में रहता है, सो रिसाइकल बिन से भी एम्प्टी करना पड़ता है, कितनों को ये ट्रिक आती है। तो रिसाइकल बिन ही फॉरगिव है भाई मेरे, अगर रिसाइकल बिन से हटाना है तो पहले माफ करना पड़ेगा दिल से, राइट। अच्छा अभी किसी ने लिखा कि मैं फॉरगिव नहीं कर सकती बिकॉज कोई मेरे नियर और डियर वंस को टॉर्चर करता है, प्रॉब्लम देता है, देखो वो अलग स्टेटमेंट हो जाता है, फॉरगिव एंड फॉरगेट उसके लिए बोला गया है जो कि इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट भी आप जाके देखो ना कुरान में तो लिखा है फॉरगिव एंड फॉरगेट फॉर दोज जो मसला कर चुके हैं और आप शायद खुद शर्मिंदा है या आप दूर चले गए बट आपके अंदर हर्ट है, ठीक है, आप उसको ऊपर वाले के लिए माफ कर दो, ऊपर वाला आपको माफ कर देगा किसी चीज के लिए, बट कोई आपको प्रॉब्लम दे रहा है ना तो एक पॉइंट पे ये भी बोला है कि तलवार उठाओ और जंग करो अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए या अपना मजहब प्रोटेक्ट करने के लिए, वो अलग कंडीशन आ जाती है, समझ रहे हो। अब उसमें आपको गांधी जी नहीं बनना कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर देना, वो अलग थॉट है, वो सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस्लाम ने ये नहीं, गांधी जी का असूल नहीं दिया, राइट। तो मुन्ना भाई MBBS ने दिया है और उसने भी कहा कि कोई एक गाल पे मारे तो गांधी जी ने बोला था, बट गांधी जी ने ये नहीं बताया कि दूसरे पे क्या क्या करना है, तो उसने दूसरे गाल पे उसको खुद मार दिया, राइट। तो प्रोटेक्ट करना जरूरी है, ठीक है, कोई भी आपको मजलूम बनने को या इनडिफेंसिव होने को नहीं कह रहा, डिफेंसिव होना बहुत जरूरी है, इसलिए आज के जमाने में बच्चों को भी डिफेंसिव होने की ट्रेनिंग दी जाती है, यस और नो, राइट। बिकॉज अकलमंद होना और बेवकूफ होना बड़ा थिन लाइन है, अकलमंद का मतलब ये कि आपने माफ कर दिया, बट बेवकूफ का मतलब ये कि आपको वो मारे जा रहे हैं कंटिन्यूसली और आप बोले माफ किया माफ किया माफ किया मारे खा रहे जा रहे हो, वो कोई नहीं बोलता, ठीक है, यू हैव टू पिक अप द सॉर्ड एंड फाइट, यू नो, तो वो करना पड़ता है, चाहे मेंटल फाइट हो इमोशनल फाइट हो, आज के जमाने में तो 911 है तो जबान से ही फाइट होती है, राइट, जिसको बुलिंग कहते हैं, तो आपको बुली कर रहा है तो आप भी बुली कर दो थोड़ा बहुत, क्या हुआ, फिर माफ कर देना जब सही हो जाए तो, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, 2024 में रह रहे, यस और नो, ठीक है।
तो देखो, हमें जो भी चीजें सिखाई जाती है ना, वो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ पे इम्प्लीमेंट करके बताते हैं, राइट? बुकिश बात नहीं करते. और ये लोग भी कुछ ना कुछ लॉजिकल बात करते हैं, इसलिए मिलियंस ऑफ लोग इनको पढ़ के बेस्ट मिलियन डॉलर बुक बनाते हैं. यस और नो, राइट? 100, 200, 500, 1000 लोग पढ़े हो ना, तो मिलियन डॉलर बुक ना पढ़े. एक बुक 10-20 डॉलर की है और मिलियन लोगों ने पढ़ा, तभी तो 20 मिलियन, 100 मिलियन का बिजनेस किया. यस और नो? तो जब इतने लोगों ने एक्सेप्ट किया, हर अलग अलग जेनरेशन के, एज के, कास्ट के लोगों ने, मुल्क के, तभी तो एक ऑथर बेस्ट सेलिंग बना है. तो जब हम उसको पढ़ते हैं, तो वो इतने मिलियंस ऑफ लोगों की बात समझ में आ गई. जब हम समझते हैं, तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ खास बात है. अच्छा, लास्ट पॉइंट वो बोलता है पावर ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट. तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन उसका मकसद ये हुआ कि हमने दो लाइंस थी, एक को छोटा बना दिया और एक को बड़ा बना दिया. नॉर्मल प्रेयर, प्रेयर में भी क्या होता है, जब हम हाथ उठाते हैं या सिजदा करते हैं या बैठे बैठे परेशान होते हैं, गॉड फॉरबिड हॉस्पिटल में होते हैं, कुछ और कंडीशन में होते हैं, तो हम हार मान जाते हैं, राइट? लेकिन हम डिक्लेयर कर देते हैं कि मैंने हार मान ली, राइट? नॉर्मल कंडीशन में हार नहीं मानता इंसान, अपने आप को बड़ा स्ट्रांग बताता है, ओहो मैं तो सीधा कर दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मुझे बोला कैसे, राइट? हाउ डेयर ही और शी. यस और नो? हम बड़े ही रहते हैं. जब हम बड़े रहते हैं, हम ब्रेक होते हैं. साइकोलॉजी कह रही है, जब आप छोटा मान लेते हो अपने आप को, उस वक्त आप पावरफुल होना शुरू हो जाते हो. समझ आई बात? तो साइंस, देखो खुदा ने कितनी बड़ी क्वालिटी साइकोलॉजी में रख दी है. साइकोलॉजी क्या है? द साइंस ऑफ माइंड, राइट? आज दुनिया कहती है सक्सेसफुल सीईओ को साइकोलॉजी पढ़ाओ, उनको समझ आए हाउ डज माइंड वर्क. जब हाउ डज माइंड वर्क आएगा, तो ही तो 1 लाख लोगों का फेसबुक, गूगल, अमेजोन संभाल पाएंगे, इतना मिलियन डॉलर बिजनेस, बिलियन डॉलर. यस और नो? तो हमको जब हम प्रेयर करते हैं, तो हमारा माइंड हमको, हम बोलते हैं खुदा सबसे पहले तू बड़ा है, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, तू सबसे बड़ा है, मैं छोटा हूँ, मैं अग्री करता हूँ, चल बात शुरू करते हैं, ये करा दे, वो करा दे, ये मसला सॉल्व कर दे, वो कर दे. वो सब मसले उसको पता है, हमको बताने की भी शायद जरूरत, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो ये होता है कि तू बड़ा है, मैं छोटा हूँ. लेकिन माइंड में आप बड़े होके जी रहे होते हो कि मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो फैमिली का बड़ा हूँ. अंदर आपको पता है आप छोटे हो, आपकी कोई हैसियत ही नहीं है. आप खुदा के पास भी जाके उसको बोलोगे कि यार तू बड़ा. तो ये पावर है, ये फिफ्थ चीज है, लिख लो उसको. वो कह रहे हैं पेशेंस चाहिए ना, तो मान लो कि तुम छोटे हो. और खुदा भी कुरान में यही कहता है कि शैतान को शैतान क्यों बना दिया? कितनी किताबें पढ़ा हुआ था, राइट? किस पॉइंट पे बन गया शैतान कि मैं बड़ा हूं और ये छोटा है, राइट? तो वो चीज ना उसके लिए पसंद है, ना हमारे लिए, आपके मेरे लिए पसंद है. तो जब भी हमारे अंदर ईगो आ जाता है ना, तो हम स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट से दूर हो जाते हैं. और आज की जो सोसाइटी है, वो एक ईगो डेवलप करती है. इसको कभी कभार लोग फेकली कॉन्फिडेंस कहते हैं. कॉन्फिडेंस ईगो नहीं होता, राइट? तो हमारे में कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम सब में आ जाता है, राइट? और हम उसको समझते हैं कि हम बहुत पावरफुल हो गए, उसी वक्त हमें मार पड़ती है. आपने देखा होगा लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, और थोड़े टाइम में हमारी अकल ठिकाने जब आती है, तो हमको पता चलता है नहीं यार, अरोगेंस आ गई थी, राइट? तो खुदा ये कहता है कि छोटे हो, छोटे बन के रहो. जिस दिन बड़े बनने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि दुआ खुद ही मांगनी पड़ जाएगी, खुद को डिक्लेयर छोटा करना पड़ जाएगा. हाँ, तब मैं मदद करने आ जाऊंगा, राइट? और ये भी खुदा का तरीका है हमको सिराते मुस्तकीम पे रखने का. बिकॉज खुदा कहता है बहुत सारों को मैं नहीं समझाता, मैं उनको गलत रास्ते पे जाने देता हूँ, और वो इतने गलत रास्ते पे चले जाते हैं कि वापस आना ना मुमकिन हो जाता है. बट हमको छोटा सा पत्थर दे देते हैं, हम गिर जाते हैं, झुक जाते हैं, और बोलते हैं ठीक है चल गलती की, आगे बढ़, वापस नहीं करना. जब वापस मसला आता है, वापस छोटा सा पत्थर. तो बहुत दफा वो ये बता रहे हैं कि जो छोटे छोटे पत्थर रास्ते में आते हैं ना, अपनी गलती की वजह से आते हैं, अपने ईगो की वजह से आते हैं. हमारा ईगो, और हम लोग, आप लोग सीनियर हो ना, ईगो टेंडेंसी भी बढ़ जाती है एज के साथ. साइंस कहता है 60 हो गया, मैं, मेरे को कैसे बोला, मैं बहुत आ गया, राइट? 70 हो गया, दादा बन गया, दादी बोल गई, मेरी इंसल्ट कर दी. यस और नो? राइट? मेरे को तो पता था, मेरे से. तो वो जो मैं है, दैट क्रिएट्स द ईगो. तो आपकी लाइफ में मिजरी बढ़ रही है. तो आई होप ये हेल्प करे सेशन, ठीक है? और
जो पीछे बच्चे वो बैठे होंगे आपके, वो बोल रहे होंगे हाँ सही है ये सर जो अच्छा काम करते हैं, बेचारों को मेरे सीनियर्स को टाइट करते हैं, राइट। तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे यहाँ जो बैठे उनके बच्चों को भी मैं जानता हूँ, उनके सीनियर्स को भी मैं जानता हूँ, बट दिस इज अ फैमिली। बट ये हर एज के लिए है, ठीक है, चाहे मेरी एज हो, चाहे 13 साल के बच्चे की एज हो, चाहे 90 ईयर्स के सीनियर की एज हो, जब भी हमें मैं आता है ना, हमें मार पड़ती है और हमें ऊपर वाला रियलाइज करा देता है कि बड़ा कौन है, यस और नो। देखो आज ये साइंस कह रहा है, ठीक है, ये वो डॉक्टर कह रहा है जो ना मुस्लिम है ना ऊपर वाले पे मानता है, बट उसको दुनिया का सक्सेस का उसूल पता चल गया है कि जब भी ईगो बढ़ेगा कुदरती आफतें मिलेंगी, मुश्किलात मिलेंगी। तो मुश्किलों से दूर रहना है, खुश रहना है, तो अपने आप को छोटा मान के चलो। सो आई होप हमको ये हेल्प करे, एंड इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।